नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। हमने हदीस पाक पढ़ी तो हमें समझ नहीं आई, हमने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी ये क्या माना है कि अपनी बीवियों से जिना करेंगे। तो उन्होंने फरमाया हां इसकी कई सूरतें हैं, एक सूरत तो इसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफरिया बोल बोल दे और निकाह टूट जाए और इनको इसका पता ही नहीं कि निकाह टूटा या नहीं। और वाकई आज तो कुफरिया कलिमात का इल्म ही नहीं लोगों के पास, बहुत सेंसिटिव मसला है ये। मालाबुद्दमिन में फारसी की किताब है, हम मुफ्ती साहब से पढ़ रहे थे तो जब उन्होंने कलिमात कुफर पढ़ाए तो हमारी आंखें खुल गईं। उसमें हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है ना, मुफ्ती कादी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कहा कि यह तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया रख परे शरीयत को फकद कफर, वो आदमी काफिर हो गया। शरीयत के बारे में ऐसी बात कह देना कि रख परे शरीयत को, ईमान कहां बचता है? सोचिए। तो हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि भाई कलिमात कुफर कौन कौन से हैं, ये ना हो कि कहीं ऐसे जुमले हम बोलें। कई जुमले तो बहुत कॉमन है, मसलन उलमा ने लिखा है कि किसी ने कहा कि कहां रहते हो, दूसरे ने कहा फलां जगह रहता हूं, ओ खुदा के पिछावड़े, खुदा के पिछावड़े यानी खुदा के पीछे रहते हो, फकत कफर, ऐसा बंदा कहने वाला काफिर हो जाता है। तो इनका इल्म हासिल करना जरूरी कि कहीं हम तो अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं कह जाते, और अगर निकाह टूट गया तो फिर अपने जोहम में मियां बीवी रह रहे हैं और जिना का गुनाह लिखा जा रहा है। तो फरमाया कि मर्द और मर्द कुर्बे क़यामत में अपनी बीवियों से जिना करेंगे। एक सूरत तो यह है, यह कुफरिया कलमा बीवी बोले तो भी निकाह टूटा, खामिद बोले तो भी निकाह टूटा। और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट्स, और यह तो हर घर की आज बात नजर आती है, जिस घर में देखो इल्ला माशाल्लाह वही हाल है। जब शादी हुई मैं बोलता था, बीवी सुनती थी, उसने कहा फिर कहते हैं फिर बच्चे हो गए, फिर बीवी बोलती थी मैं सुनता था, उसने कहा फिर कहते हैं फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों बोलते थे मोहल्ले वाले सुनते थे। तो बुढ़ापे में आर्गुमेंट्स और ज्यादा। अब इन आर्गुमेंट्स में होता क्या है कि मर्द की जुबान से किनाए में तलाक निकल जाती है। किनाया कहते हैं कि लफ्ज तो तलाक का नहीं बोला लेकिन बात ऐसी कर दी कि जिसका मफहूम तलाक वाला होता है, उसको किनाए में तलाक कहते हैं। अब यह गुना बहुत ज्यादा है कि गुस्से में कह देते हैं चली जा मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं आज के बाद। इस किस्म के अल्फाज के जिसका नतीजा यह निकले कि तू मेरी बीवी नहीं है, इसको किनाया कहते हैं। अब इसके मसले भी सीखने चाहिए, भाई निकाह किया है तो कैसे टूट सकता है, ये मसले भी तो आने चाहिए ना। ये कहां लिखा हुआ है कि आप टैक्स के सब मसाइल जानते हैं, बिजनेस के सब कोड जानते हैं, फलां का सब नॉलेज आपने हासिल किया हुआ है, और एक मोमिन निकाह कर लेता है और उसको निकाह तलाक का पता ही नहीं होता, ये कहां का इंसाफ है? शरीयत कहती है इल्म हासिल करो, ऐसा ना हो कि किनारे में तलाक हो जाए हमें पता भी ना हो और मियां बीवी मिलकर रह रहे। और आज तो ये मामला है कि जबान से तलाक कह देते हैं, हो भी जाती है, पता भी है दोनों को, मगर बदनामी हो जाएगी फिर एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। चुनांचे हमें ऐसे लोग मिले, पांच वक्त का नमाजी, तहज्जुद पढ़ने वाला, सब नेकी करने वाला,
खुद उसने मुझे कहा कि आज से 8 साल पहले मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी गुस्से में। वैसे मैंने गुस्से में दी थी, मैंने कहा कभी किसी ने बीवी को खुश होकर तलाक दी? देता तो गुस्से में ही है ना, ये क्या बात हुई कि गुस्से में दी थी? भाई तलाक तो हो गई। और जी फिर बाद में हमने सोचा वो भी नेक है, मैं भी नेक हूं, बदनामी हो जाएगी, बच्चे खराब हो जाएंगे, तो बस फिर हमने फिर इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। ना खान ना रिश्तेदारों को पता, ना उलमा से पूछा, फिर भी अभी भी इकट्ठा रह रहे हैं, एक घर एक कमरे में। अब बताएं जिना हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुर्बान जाएं उस सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान पर, 1400 साल पहले वार्न कर दिया था कि कुर्बे कियामत में लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। आज इस बात की जरूरत है हम दीन को पढ़ें, दीन को समझें, दीन को सीखें, ताकि अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजार सकें। और ये ऐसा गुनाह है जिना, अल्लाहु अकबर, के कुरान मजीद में इसके लिए फरमाया खालिदीन भैया खलुद फी ही मुहाना, खालिदीन फीहा का लफ्ज आया तो मुफस्सरीन ने इस पर नुक्ता लिखा कि काफिर हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे, मोमिन मुसलमान खताकार के लिए खालिदीन का लफ्ज। तो मुफस्सरीन ने उसका जवाब दिया जी हां, ये आपस में इन्वॉल्व थे ना, तो कहते थे हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, हम कभी नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को, ये जो वादे करते थे हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। अल्लाह फरमाते हैं मैं भी तुम्हें फिर हमेशा हमेशा का अजाब दूंगा। एक हदीस पाक में है, क्यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने बूढ़ा जानी आएगा, अल्लाह ताला उसके चेहरे की तरफ नहीं देखेंगे। एक रवायत में है क्यामत के दिन बेपर्दा जो नंगे सर फिरने वाली औरत होगी वो अल्लाह के सामने खड़ी की जाएगी, अल्लाह ताला उसकी तरफ नहीं देखेंगे। ये वो गुनाह है कि अल्लाह ताला की रहमत की नजर ही क्यामत के दिन नहीं पड़ेगी। आज इससे बचने की जरूरत है।